हे व्हाट्स अप गाइस, वेलकम टू बैक माई अदर वीडियो। सो गाइस कैसे हो आई, आप सभी अच्छे होंगे। गाइस अगर आपके पास रेडमी 9 पावर फोन है और आपके फ़ोन में इंटरनेट नहीं चलता, अगर आपके फ़ोन पर नेटवर्क अच्छे से नहीं आते, 4G वोल्टेज का नेटवर्क नहीं आते, ऑटोमेटिक इमरजेंसी हो जाता है, तो गाइस कंप्लीट प्रोसेस वीडियो में बताने वाला हूँ। और साथ साथ मैं आपको बता दूँ, अगर आपके फ़ोन में IC प्रॉब्लम अंदर से हो सकती है, कोई कंप्यूटर प्रॉब्लम हो सकता है, कोई वायर प्रॉब्लम हो सकता है, नेटवर्क बार बार वायर प्रॉब्लम हो सकता है गाइस जी, अगर आपके फ़ोन में ये प्रॉब्लम होगी तो आपको कैसे पता पड़ेगा, इस वीडियो में सारा का सारा बताने वाला हूँ। वीडियो को पूरा वॉच करना, कोई भी स्टेप मिस मत करना गाइस। कोई भी नहीं बताता आपके फ़ोन में हार्डवेयर प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है गाइस, यहाँ पर आ जाना आपको सेटिंग में। सेटिंग में अगर आप आ जाओगे तो इस तरह कंट्री आपके सामने आ जाएगा। और गाइस यहाँ पे अपडेट होने के बाद थोड़ा चेंजिंग भी हो सकता है, वो आपको यहाँ पे देख लेना। सिम कार्ड या मॉड नेटवर्क यहाँ पे कहाँ पर लिखा हुआ है उस पर आपको क्लिक कर देना है गाइस। अगर आपके फ़ोन में अपडेट आ चुका है तो अपने फ़ोन को सबसे पहले अपडेट कर लेना है। तो गाइस उसके बाद यहाँ देख लो सिम कार्ड या मॉड नेटवर्क यहाँ पर आपको क्लिक करना है गाइस। तो गाइस आपको जो मैं ट्रिक बताऊँ वो ट्रिक फॉलो करनी है। साथ साथ गाइस आपको जो भी मैं यहाँ पे फिल करूँ, आपका जो सेटिंग फिल करूँ, वो आपको सेटिंग फिल कर देनी है। आपका जो प्रॉब्लम है 100% बाईपास हो जाएगा। अगर आपका प्रॉब्लम बाईपास नहीं होता है तो आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, मैं आपका रिप्लाई कर दूंगा गाइस। तो यहाँ देख लो सिम कार्ड मॉड यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा गाइस। गाइस मेरे पास कस्टमर आया था, कहीं ये बाहर का बंदा, जैसे मेरे पास ये आया तो ये बोला भाई मेरे फ़ोन में इंटरनेट नहीं चल रहा है, बट गाइस इसके फ़ोन में नेटवर्क आ रहे थे, वो ऑटोमेटिक 3G के पे नेटवर्क कनेक्ट थे। बट गाइस हमारे यहाँ पे BSNL का जो नेटवर्क है अच्छे से नहीं आता, जियो का हमारे यहाँ नेटवर्क आ जाता है। तो ये बंदा पहले से BSNL यूज़ कर रहा था, बट इसके फ़ोन में ये जियो कम से कम यूज़ करता था, इसने अपनी जो जियो की सेटिंग कभी इसने ठीक की नहीं, तो इसके फ़ोन में थोड़ा प्रॉब्लम था। यहाँ पर गाइस जियो के नेटवर्क अच्छे से आते, मेरे फ़ोन में तो आ रहे थे, बट इस बंदे के फ़ोन में नेटवर्क नहीं आता। तो उसको गाइस कैसे फॉलो करना, मैंने कैसे क्या किया, तो सबसे पहले यहाँ पर डुअल 4G यहाँ पर ये ऑप्शन आपको यहाँ पे इनेबल कर देना गाइस। आपको जितना आपको डुअल 4G आपको ये ऑप्शन यहाँ पे इनेबल कर देना। उसके बाद यहाँ पे ये यूज मोबाइल डाटा ये भी आपको यहाँ पे इनेबल कर देना, जैसे आप कोई भी बंदा आपके पास कॉल करे उसके बाद आप इंटरनेट आसानी से यूज कर सको होगा। यहाँ देख रहा हूँ सेट डाटा प्लान गाइस। गाइस यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा यहाँ पे आपको स्पीड बार दिख रहा होगा ऊपर, यहाँ पे मेरे फोन में खुल रखा है, आपको ये भी स्पीड बार अपने फोन में खोल लेना है और आपसे यहाँ पे नहीं दिखे। इसका मतलब गाइस ये होगा, जैसे आप यहाँ पे स्पीड बार आप खोल लोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा हमारे फोन में कितनी स्पीड आ रही है, उसके हिसाब से अपनी वो सेटिंग इंटरनेट सेटिंग अपनी ठीक कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पे हमें डाटा सेटिंग यहाँ पे जाऊँगा गाइस। यहाँ पर देख रहा हूँ मैं 100 नेटवर्क स्पीड, जैसे यहाँ से मेरी बंद हो जाती है, जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो तो मेरी फोन जो नेटवर्क स्पीड यहाँ पे चालू हो जाती है। तो आपको ये सारी सेटिंग यहाँ पे कर लेनी है गाइस, ये तो आपकी नॉर्मल सेटिंग होगी। उसके बाद आपको जो भी सिम आपको प्रॉब्लम कर रहा था उस सिम पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना गाइस। जैसे यहाँ पे मैं क्लिक किया जो कि सिम पे देख रहा हूँ यहाँ पे गाइस आपको दिख रहा होगा कि मैंने यहाँ पे LTE पे क्लिक करके रखा था, बट मेरे फ़ोन में ये जियो का सिम अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। क्योंकि गाइस जियो के सिम में अगर आपको Volte इनेबल्ड होगा तभी आपके फ़ोन में अच्छे से वर्क करेगा जियो का सिम। अगर आपके फ़ोन में Volte इनेबल्ड होगा, अगर आपके फ़ोन में 3G पे क्लिक रखा रहेगा तब भी आपके फ़ोन अच्छे से वर्क नहीं करेगा। आपको कंप्लीट सेटिंग होनी चाहिए आपके फ़ोन की, Volte इनेबल्ड होना चाहिए आपके फ़ोन में और 4G Volte यानी LTE मोड पर आपका फ़ोन है यहाँ पर सेलेक्ट होना चाहिए, तो आपके फ़ोन में अच्छे से ये जियो का सिम अच्छे से वर्क करेगा। हालांकि अगर आपके पास कोई भी अदर सिम है जैसे कि वोडा आइडिया, तो ये फ़ोन में क्या होता है कि ऑटोमेटिक 3G का सर्वर ले लेते हैं अगर आपको 3G पर क्लिक हो जाएगा। जियो का गैस डायरेक्टली यहाँ पे 4G का सर्वर आता है, इसलिए वो हमारा फ़ोन अच्छे से यहाँ पे वर्क नहीं करता है। तो बस साथ साथ मैं आपको ये बताया था कि अगर आपके फ़ोन में कोई अंदर से कोई कंपोनेंट या कोई IC या कोई नेटवर्क वायर या नेटवर्क IC प्रॉब्लम होती है तो आपको कैसे पता पड़ेगा हमारे फ़ोन में अंदर से कोई हार्डवेयर प्रॉब्लम है या सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है। तो बस यहाँ पे आपको जैसे यहाँ पे मोबाइल नेटवर्क क्लिक करोगे यहाँ पे सर्चिंग चलेगी, सर्च बार में आपके फ़ोन में 2 या 3 नेटवर्क सर्च बार में आ रहे हैं। कई बार आपने ट्राई कर लिया या कैन नॉट सर्चिंग जैसा उसको लिखा आता है आपके फ़ोन में, तो आपको यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा, आपके फ़ोन में कोई IC प्रॉब्लम है। अगर आपके फ़ोन में कोई 5 या 6 नेटवर्क सर्च बार में आ रहे हैं फिर भी आपका फ़ोन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, तो आपके फ़ोन में या तो सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है या फिर आपके फ़ोन में जो मैं सेटिंग बता रहा हूँ वो प्रॉब्लम है। तो बस ये मैंने आपका फाइनल कर दिया, आपको ये ट्राई कर लेना है। और आपके फ़ोन में 2 या 3 नेटवर्क सर्च बारे में आते हैं, आपको ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना है, आपके फ़ोन में कोई ये सेटिंग वर्क नहीं करेगी। और आपके फ़ोन में 5 या 6 नेटवर्क सर्च बारे में आ रहे हैं तो आप ये ट्राई कर सकते हो गाइस। ये ट्राई करने के बाद भी आपके फ़ोन में 5 या 6 नेटवर्क आ रहे हैं फिर भी आपके फ़ोन में अच्छे से नेट नहीं चल रहा, तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम पर यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा APN। ऐसे देख रहा हूँ यहाँ पर रिसेट का ऑप्शन यहाँ पे मिल जाएगा, जैसे यहाँ पे मैं रिसेट पर क्लिक करूँगा मेरी APN सेटिंग कंप्लीट यहाँ पे रिसेट होगी। रिसेट होने के बाद यहाँ पे मेरी पूरी की पूरी APN यहाँ पे कंप्लीट रिसेट होकर ठीक हो जाएगी गाइस। बहुत सारे भाई ये बोलते हैं यार मेरी APN यहाँ पे रिसेट होने के बाद भी मेरी APN ठीक नहीं हो रही, तो उसको क्या करना है, सेटिंग में लगाओगे न्यू APN। तो गाइस ये इंटरनेट चलाने में सबसे ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट इसका ही काम होता है गाइस। APN में आपको क्या करना है, जो भी आप सिम यूज़ कर रहे हो उस सिम को यहाँ पे अपना डाल देना, जैसे मैं यहाँ पे आइडिया का यूज़ कर रहा हूँ, जियो का यूज़ कर रहा हूँ, वो यहाँ पे मैं डाल दूंगा गाइस यहाँ। और सेकंड में APN में यहाँ पे आपको इंटरनेट लिख देना गाइस, जिससे गाइस आपके फ़ोन में इंटरनेट की जो कनेक्टिविटी अच्छे से बनी रहेगा। इस तरह से आपको पूरी की पूरी APN यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी। अगर मैं APN पूरी फिल करके आपको दिखाऊंगा गाइस तो मेरा वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, आप थोड़ा बोर हो जाओगे। तो आपको क्या करना है, ये सेटिंग करने के बाद, वैसे आप तो रिसेट करने के बाद आपकी सेटिंग अच्छे से वर्क करने लग जाएगी। अगर आपको
सेटिंग नहीं करना, अच्छे से वर्क नहीं कर रही, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब पर वीडियो देख लेनी है रेडमी की, किसी भी आप फ़ोन की देख सकते हो, रेडमी नोट 8 की देख सकते हो, रेडमी नोट 8 APN सेटिंग कैसे फिल करें, तो आपको वैसे ही वीडियो मिल जाएगी, आपको अच्छे से APN सेटिंग करना फिल आ जाएगी गाइस। इस तरह से अपना फोन फिर भी आपके फोन में नेटवर्क नहीं आता, आपको क्या करना है गाइस, आपको अपना फोन एक बार रजिस्टर करना या अपना फोन रजिस्टर कर देना, तो आपके फोन में अच्छे से नेटवर्क आ जाएंगे गाइस। तो बस आई होप वीडियो पसंद है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब प्रेस कर देना, सुनने बाय, टेक केयर।